हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर 3 के एमसीक्यू। आई होप आप इस एमसीक्यू को अच्छी तरीके से, आपको अच्छे से पहले से ही आता होगा। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और उस टाइम में आपने इसका आंसर वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में देखना है, देना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको टोटली कितने आंसर आते थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। ए, पॉलिस्टर इज ए दैट टाइप ऑफ द फैब्रिक दैट डू नॉट रिंकल इजीली। बी, टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। सी, रेयॉन इज प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प। डी, प्लास्टिक इज यूज फॉर द मेकिंग पैराशूट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर में आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम ए की बात करें तो पॉलिएस्टर क्या है, ये ऐसा फैब्रिक है जो रिंकल इजीली नहीं होता है, तो ये तो सही है। अगर हम बी की बात करें, टेफ्लॉन का यूज़ जो है नॉन स्टिक कुकवेयर में किया जाता है, तो ये भी राइट है। अगर हम सी की बात करें, रेयॉन इज प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प, तो ये भी राइट है। अब बचा हमारे पास डी, तो इसके लिए आपका काउंटडाउन स्टार्ट है। आप देखिए क्या सही है। प्लास्टिक का यूज़ इन्होंने बोला है कि पैराशूट में किया जाता है, ठीक है। तो नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि पैराशूट बनाने के लिए हमें पता है मजबूत चीज की जरूरत है, और मजबूत कौन सा होता है? नायलॉन, जो कि क्या है? सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ टू फाइबर्स। ए, जूट। बी, पॉलीवूल। सी, पॉलिस्टर एंड डी, नायलॉन। आपको बताना है जो मटेरियल दिए हैं इनमें से कौन सा मटेरियल जो है दो फाइबर से मिलकर बना है। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंड इसका राइट आंसर है पॉलीवूल। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बनाए, दो मटेरियल से मिलकर बनाए, एक पॉलिस्टर और एक वूल, तो ये क्या हो गया? पॉलीवूल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। इसकी डिस्कशन हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। प्लास्टिक, बी टेरेलिन, सी नायलॉन एंड डी स्टील। तो राइट आंसर क्या है? इसके लिए आपको टाइम मिलता है। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट आंसर है इसका, आपको पता होगा वो क्या है? नायलॉन। क्यों नायलॉन है? क्योंकि नायलॉन जो है एक मजबूत फाइबर है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ पैराशूट्स वगैरह पे यूज़ किया जाता है ताकि ये टूटे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बेस्ट बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेस्ट है इलेक्ट्रिकल स्विच को बनाने के लिए। ए, पीवीसी। बी, पॉलीथीन। सी, पेट एंड डी, बैकेलाइट। तो राइट आंसर के लिए आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंड राइट आंसर है आपका इसमें बैकेलाइट।
बेकेलाइट क्यों है राइट आंसर? क्योंकि बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और ये बहुत हार्ड होता है, इसके ऊपर हीट का जल्दी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेकेलाइट। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पिकल्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स मेनली बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बी गुड इंसुलेटर, सी ड्यूरेबल एंड डी नॉन रिएक्टिव। अब पिकल का यूज़ जो है अचार, ठीक है, उसका यूज़ प्लास्टिक बॉटल में उसको रखा जाता है, उसके लिए प्लास्टिक बॉटल का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए, गुड इंसुलेटर है इसलिए, ड्यूरेबल है इसलिए, या फिर नॉन रिएक्टिव है? ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 राइट आंसर है इसका नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जो पिकल होता है ना, हम जिसमें स्टोर करते हैं, वो उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें खट्टा होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो अब जो प्लास्टिक है ना, वो किसी के साथ रिएक्शन, किसी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हम पिकल अचार का यूज़ जो है प्लास्टिक कंटेनर में रखने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब हमारी क्वेश्चन आज के लिए इतने ही। आई होप आपने अच्छे से इसको इंजॉय किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।